फ्रेंड्स, आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। जीरो और एक नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है। आप चाहते हैं तो इससे किसी भी साइज में बहुत इजीली बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने जीरो और एक नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बताई है, जिसे आप झटपट इजीली बना लेंगे। और ये इतनी ईजी है कि आप इसे जब इसमें टाइम भी नहीं लगता बनाने में, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता बनाने में और वुल भी बिल्कुल थोड़ी सी लगती है। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है, और चारों तरफ इसमें स्ट्रॉबेरी है छोटी छोटी। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है। तो आप इसे जरूर बनाइएगा, और ये बिल्कुल ही इजी, अगर आप बिगनर हैं तो भी इसे आप आसानी से बना सकते हैं, और बड़े साइज में भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और साथ में मैंने इसके इस तरह से देखिए, इसे आप एज अ पटका भी यूज कर सकते हैं अपने गोपाल जी का, और या फिर इसे आप यहाँ पे डोरी की तरह भी इसे बांध सकते हैं, तो ये आपकी डोरी का भी काम दे देगी। तो जिस तरह से आपको सुटेबल हो आप इस तरह से बना सकते हैं। और ये चलिए जल्दी से बनाने से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये ड्रेस लेके आई हूँ। ये छोटे से गोपाल जी की ड्रेस है, जो जीरो और एक नंबर के गोपाल जी होते हैं, लेकिन इस ड्रेस को आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिये जो घेरे के राउंड है वो इंक्रीज कर दीजिएगा, और जहां से हमने रेड कलर स्टार्ट किया था ये बिल्कुल सेम एज इट इज इसी पैटर्न को फॉलो करके आप बड़े गोपाल जी की भी ड्रेस बना सकते हैं। और अगर आप ज्यादा बड़े गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हो, 6-7-8, ये जो स्ट्रॉबेरी के राउंड है ये आप दो राउंड भी दे सकते हैं। जिस तरह से एक राउंड बनाए, फिर 2-4 हमने प्लेन बनाए, फिर एक राउंड बनाया, तो इस तरह से करके ये और भी खूबसूरत बन जाएगी। तो आप इस तरह से भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ड्रेस चाहिए। ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 3 mm का क्रोशिया लिया है, और इसमें मैंने 3 कलर की वूल यूज की है, व्हाइट, रेड एंड ग्रीन। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का कलर रेड होता है, इसलिए मैंने रेड एंड ग्रीन लिया है, और साथ में व्हाइट लिया ताकि ये अलग से उभरे और दिखाई दे। आप अपने अकॉर्डिंग और कोई भी कलर ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम एक नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये जीरो नंबर के गोपाल जी को भी आराम से आ जाएगी, और एक नंबर के गोपाल जी को भी। और इस डिजाइन को आप बड़ी ड्रेस में भी बना सकते हैं। बड़ी ड्रेस में बनाना थोड़ा इजी होता है, छोटी में उसे एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसे छोटी ड्रेस में आपको बना के बता रही हूँ। तो यहाँ पे चोली और घेरा मैंने बना लिया है। चोली आप अपने अकॉर्डिंग जितने बड़े गोपाल जी के चाहते हैं बना लीजिए, फिर घेरा अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 घेरे के 4 राउंड रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से बनेगी, तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चोली का भी और सिंपल घेरे का भी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब चलिए यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे हम ये घेरा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जितने बड़े गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हो, पहले चोली और घेरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से जो डिजाइन स्टार्ट होगा ये आप हर साइज में यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम 3 चैन लेंगे, ये 3 चैन का हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो वो हमने कम्प्लीट नहीं बनाना है। ये देखिए ये 3 चैन का एक डबल क्रोशिया काउंट किया, नेक्स्ट वाला हम कम्प्लीट नहीं बनाएंगे, 2 लूप हम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे। अब यहाँ से हम रेड कलर की हमारी वूल है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ रेड कलर की वूल स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 लूप हमारे पास है, इनके अंदर से ही हम रेड वाली वूल को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी रेड वूल यहाँ से अटैच हो गई, और ये हमारी दोनों ही वूल साथ साथ चलेंगी, इसलिए हमने दोनों को साथ रखना है। अब यहाँ पे हम क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे, और जो हमारी थर्ड स्टिच, एक में हमने 3 चैन बनाए, एक डबल क्रोशिया, दूसरे में हमने ये दूसरा बनाया, और तीसरी वाली चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5 टाइम बनाएंगे। ये देखिए हमारा 1 टाइम हो गया, और फिर इसी चैन में हम फिर से बनाएंगे, 2, फिर से बनाया, 3, 4, ये देखिए 4 टाइम हो गया। 5 वाला बनाएंगे बट हम इसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे। ये देखिए 2 लूप हम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे। अब यहाँ हम रेड वूल को छोड़ेंगे और व्हाइट वूल को पिक करेंगे। रेड वाली को हमने बीच में ही रखना है साथ साथ। अब 2 में से हम एक व्हाइट से करेंगे, तो ये देखिए हमारी व्हाइट वूल अटैच हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट चैन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो हमारी नेक्स्ट चैन है उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, पर ये कंप्लीट नहीं बनाएंगे। एक हमने कंप्लीट बनाया, एक में हम 2 लूप क्रोशिया हुक पे रखेंगे, फिर व्हाइट वाली वूल को हम आगे करेंगे और रेड वाली वूल को पिक करेंगे, और ये जो व्हाइट वाली है हमारी साथ साथ चलेगी। अब फिर से हम 2 में से एक निकालेंगे, अब हमारी रेड वाली वूल अटैच हो गई। अब नेक्स्ट वाली जो चैन है इसमें हम इसी तरह से करेंगे, 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे कम्प्लीट। ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये देखिए हमने 4 टाइम कंप्लीट बनाया, और 5 टाइम हम जो 5th वाला डबल क्रोशिया है ये कंप्लीट नहीं बनाएंगे। यहाँ हम अपनी वूल का कलर चेंज करेंगे, तो 2 लूप हम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे, और वूल को हमने आगे की तरफ किया, और फिर व्हाइट वाली वूल पिक की और 2 में से एक किया। तो ये देखिए हमारी व्हाइट वूल अटैच हो गई, और फिर से हम नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1,
और नेक्स्ट में हम कंप्लीट नहीं बनाएंगे, वूल का कलर चेंज करेंगे। यानी कि व्हाइट वाले हमने दो बनाने हैं, तो एक तो कंप्लीट बनाना है और एक इनकम्प्लीट। तो यहाँ हमने दो लूप रखे, इससे हम आगे की तरफ करेंगे, फिर रेड वूल पिक करेंगे, फिर दो में से एक। अब ये देखे इस तरह से हमारा हो गया, दो हम बनाते हैं, ये दो हो गए। अब हम रेड वूल से नेक्स्ट वाली चैन में फिर से इसी तरह से फोर टाइम कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वाला इनकम्प्लीट। ये देखिए, ये दो लूप क्रोशिया हुक पे रखेंगे, फिर वूल को आगे करेंगे, व्हाइट वूल पिक करेंगे और इसमें से निकालेंगे। तो ये हमारी व्हाइट वूल हो गई। अब नेक्स्ट में फिर से हम एक कंप्लीट बनाएंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में इनकम्प्लीट बनाएंगे और ये वाली जो वूल हमारी साथ साथ चलनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हम रेड कलर की वूल पिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने अपना ये कलर चेंज कर लिया है वूल का। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3 थर्ड चैन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और इसे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए राउंड हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर की वूल एड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं ग्रीन कलर की वूल को यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगी और इसको हम व्हाइट वाली को इस तरह से खींच देंगे, एक चैन बना के हम इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेड डबल क्रोशिया है, उससे पहले जो होल है इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट में डाला और लूप निकाला। हमने चैन में वर्क नहीं करना है, हमने होल में वर्क करना है। देखिए दो डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है इसमें डालेंगे और इस तरह से लूप को लेंगे, फिर से डाला, फिर से निकालेंगे, फिर से डालेंगे। तो ये हमने 7 हमारे लूप होने चाहिए क्रोशिया हुक पे, ये लास्ट में भी। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास 7 लूप है। अब एक लूप लेके सब में से निकाल देंगे और फिर ग्रीन कलर की वूल को हम आगे की तरफ करेंगे और व्हाइट वाली वूल को पिक करेंगे। अब इस तरह से हम एक चैन बना लेंगे इसमें से। तो ये देखिए हमारी वूल कनेक्ट हो गई व्हाइट वाली। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चैन दिख रही है, तो यहाँ हम इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में भी हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसे कंप्लीट हम ग्रीन वूल से करेंगे। इसे व्हाइट को हम आगे की तरफ करेंगे और ग्रीन वूल इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारे दो सिंगल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर फिर से हम इसी तरह से करेंगे, जो हमारा रेड वाला डबल क्रोशिया के बाद जो होल है ये देखिए यहाँ से यहाँ निकालेंगे। तो ये हमारा 1 टाइम हुआ, फिर एक लिया लूप, 2, फिर नेक्स्ट होल में 3, फिर नेक्स्ट होल में 4, 5, 6 एंड 7। ये देखिए 7 हमारे पास लूप हो गए। अब एक लूप लेके इन सब में से निकाल देंगे और फिर इसे हम आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पे हम व्हाइट वूल से इसके अंदर से निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास दो व्हाइट कलर की चैन दिख रही है आपको दो डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ हम इनमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए एक हमने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट बनाया और एक के हम दो लूप में से ग्रीन को निकालेंगे। अब यहाँ से हम ग्रीन वूल को कनेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से इसी तरह से ऊपर से हम इसकी लीफ बनाएंगे स्ट्रॉबेरी की, ये एक लूप है। फिर देखिए आप यहाँ से लूप के अंदर होल के अंदर से डालते हुए हम लूप निकालेंगे। तो ये देखिए 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 5, फिर नेक्स्ट में 6 और नेक्स्ट में 7। ये 7 लूप हो गए। एक लूप लेके सब में से निकाल दिया और फिर ग्रीन वूल को आगे और फिर हम व्हाइट वूल को पिक करेंगे और यहाँ से हम इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ पे हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने एक बनाया और एक को हम हाफ बनाएंगे और ग्रीन वूल अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी बन जाएगी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने व्हाइट वूल अटैच कर ली है और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चैन है यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये राउंड हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और इसी चैन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 टाइम। ये देखिए ये 3 की चैन एक हो गया, ये 2 और फिर इसी में डालते हुए बनाएंगे हम 3, 4, 5, 6।
ये देखिए एक ही चैन में हमने 6 टाइम बनाया और अब हम यहाँ पे ग्रीन वाली वूल को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे 6 टाइम मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस स्ट्रॉबेरी के बाद जो हमने फिर से यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम फिर से 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये देखिए हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से जो नेक्स्ट हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो जो उसका फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चैन में हम फिर से यहाँ पे 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो हमारी थर्ड चैन का हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट किया था तो यहाँ थर्ड चैन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे और ये वूल मैं यहां से कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई और इसे हम पीछे वूल को एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी से हमारी क्यूट सी ड्रेस कंप्लीट हो गई है और इसके साथ की देखिए मैंने इस तरह से डोरी भी बना ली। इस तरह से हमने ड्रेस में स्ट्रॉबेरी बनाई है, इसी तरह से हमने ये भी बना ली। अब आप देख सकते हैं या तो आप इसे पटके की जगह यूज कर सकते हैं अपने गोपाल जी की इस तरह से, या फिर आप इसे डोरी की तरह यूज कर सकते हैं, जो आपको कम्फर्टेबल हो, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी से ड्रेस हमारी कम्प्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। अगर कोई ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।